दोस्तों, पितरों के बारे में मन में गलत विचार या सेक्सुअल थॉट्स आना, दोस्तों वास्तव में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम है ओसीडी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में पितरों के बारे में मन में गलत विचार आने लगते हैं, या फिर जो उनके पूर्वज हैं, या कुल देवी देवता हैं, या देवी देवता हैं, इन सब के प्रति मन में गलत और गंदे विचार आने लगते हैं। और फिर उस व्यक्ति को डर लगने लगता है कि कहीं अब वो उनके साथ कुछ बुरा ना कर दे, कहीं उनका कार्य बिगड़ ना जाए, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना होने लगे। क्योंकि बेसिकली पितृदोष शब्द आपने सुना होगा, पितृदोष जिसको लग जाता है तो उसके साथ काफी सारी ऊंच नीच होने लगता है। जब उसके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं तो उसे लगता है कि कहीं पितृ उसके ऊपर रुष्ट ना हो जाए और इससे उनको पितृ दोष ना लग जाए, पितृ क्रोधित ना हो जाए। दोस्तों, ये सब चीजें इंसान के ना चाहते हुए भी होती है। मतलब इंसान चाहता नहीं है कि उनके बारे में कुछ गलत सोचे, इंसान उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी अपने आप वो विचार आते हैं। अब दोस्तों, इंसान इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान हो जाता है, माफी मांगता है पितरों से या देवी देवताओं से। वो जितना ही माफी मांग रहा है, जितना ही परेशान हो रहा है, उसके मन में उतना ही और ज्यादा विचार आने लगते हैं। दोस्तों, ये सोचकर इंसान बहुत ही परेशान होने लगता है कि वो आखिर करे क्या, क्योंकि एक तो उसके मन में डर है कि अब उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पितृ क्रोधित या गुस्सा ना हो जाए, या देवी देवता गुस्सा ना हो जाए, तो कुल मिला के उसके साथ कुछ गलत ना होने लग जाए, या फिर उसके परिवार के साथ कुछ गलत ना होने लग जाए, इसलिए इंसान इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। अब दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। इलाज जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि पितृ वास्तव में कौन है। इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो ये डर और ये जो बीमारी है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो पितृ बेसिकली आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो भी हमारे वंशज रहे हैं ना, उनकी जिनकी डेथ हो जाती है वो हमारे पितृ बन जाते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब पितृ पक्ष चलता है तो जो पितृ होते हैं उनको दान किया जाता है, उनको भोजन और पानी दिया जाता है। अब दोस्तों, जब इंसान ये क्रिया कर ही रहा होता है तभी अचानक से फिर कोई गंदा विचार आ जाता है। अब इंसान फिर परेशान होने लगता है और फिर पितरों से माफी मांगने लगता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो पितृ पक्ष का जो रिवाज बनाया गया कि हर साल पितृ पक्ष मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिस भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, एक शरीर को त्याग कर तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हुई है तो वो अब पितृलोक में सालों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति की डेथ होती है, उसको तुरंत ही दूसरा नया शरीर मिल जाता है। वो शरीर इंसान का हो सकता है, पशु पक्षी का हो सकता है, पेड़ पौधों का हो सकता है, तो उसे कोई ना कोई दूसरा शरीर मिल जाता है। और अगर उसके कर्म अच्छे रहे तो उसे मोक्ष मिल जाता है। ऐसा नहीं कि वो पितृलोक में अब काफी सालों तक बैठा रहेगा और आप इंतजार करेगा कि हर साल आए और आप उनको कुछ चढ़ाओ और उनको खाने पीने को मिले। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई तो कुछ कंडीशंस के कारण कुछ समय तक वो पितृलोक में रुकते हैं, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए पितृलोक में जाते हैं, उसके बाद उन्हें दूसरा नया शरीर मिल जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सालों साल 10-20 साल तक उन पितरों की सेवा करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि अभी भी कोई पितर पितृलोक में बैठा होगा, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो पितृ पक्ष में जल और भोजन चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, वास्तव में ये हमारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, मतलब ये उन पितरों के लिए नहीं होता बल्कि ये हमारे लिए होता है। दोस्तों, ये सुनकर आपको बहुत ही अजीब लगेगा, बट ये रियलिटी है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद छठवीं होती है, तेरहवीं होती है, तो वास्तव में ये उस आत्मा की शांति के लिए नहीं होता है, ये हमारी शांति के लिए होता है। दोस्तों, जिन भी लोगों ने ये सिस्टम बनाया है वो बहुत ही सोच समझ के उन्होंने इस चीज को बनाया है, ये बहुत ही साइंटिफिक है। क्योंकि होता क्या है, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमारा मन उसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार होता है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ा मानसिक प्रेशर क्रिएट होता है, मेंटल तौर पर हम बहुत ही ज्यादा एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो व्यक्ति अब उस दुनिया में नहीं रहा जो कई सालों से उसके साथ था। तो अब ऐसे में होता क्या है कि इंसान साइकोलॉजिकल तौर पर अनबैलेंस होने लगता है। दोस्तों, ये सब चीजें इंसान के दिल में कुछ इस प्रकार से घर कर जाती हैं कि व्यक्ति को शॉक लगने के चांसेस रहते हैं और एक लंबे समय तक व्यक्ति इन चीजों को नहीं भूल पाता। तो दोस्तों, इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है कि छठवीं में जब छठवीं करते हैं, तेरहवीं करते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, हाँ अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा और अब वो जहाँ भी है ठीक है, स्वस्थ है, अच्छा है, इसलिए ये छठवीं तेरहवीं बारहवीं किया जाता है। दोस्तों, ये कुछ टाइम लिमिट में किया जाता है, जैसे 6 दिन के बाद, फिर 13 दिन के बाद, इसके बाद भी कुछ दिनों पर ऐसा कुछ ना कुछ किया जरूर जाता है जिससे आपको वो चीज याद रहे कि मन में जो कुछ भी फीलिंग भरी हुई है वो धीरे धीरे करके सब बाहर निकल जाए। इसीलिए पितृ पक्ष में हर साल उस व्यक्ति को याद किया जाता है ताकि ये रिमाइंडर रहे हमारे माइंड में कि वो व्यक्ति अब नहीं रहा और अब सब ठीक है, हम धीरे धीरे हम उस बात को एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए ये पितृ पक्ष का सिस्टम बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में लोगों ने कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ मोड़ दिया है, कुछ ऐसा ही विकृत स्वरूप इसको दे दिया है कि लोगों को लगता है कि सच में कोई पितृ बैठे हैं, बहुत
लंबे समय तक, जो कि उनका जल और भोजन का इंतजार कर रहे हैं, नहीं दिया तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आपके मन में पितरों के बारे में कुछ गलत या गंदे विचार आ जा रहे हैं, उसको आने दो, आप उस पर ध्यान ही मत दो। पहली बात, कोई पितर बैठा नहीं है जो आपकी वो चीजों को सुन रहा है। दूसरी बात, जो भी आपके मन में विचार आ रहा है ये आपके हैं ही नहीं, ये किसके हैं, ओसीडी के हैं। और आप जितना ज्यादा इन विचारों से परेशान हो गए, जितना ज्यादा मना करोगे इन विचारों को, ये विचार उतने ही ज्यादा आएंगे। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आपको इन विचारों पर ध्यान ही नहीं देना। दोस्तों हम लोग देखते हैं ना कि कई सारे बहुएं ऐसी होती हैं जो अपने पितरों को मानती ही नहीं है, उन्हें गालियां देती हैं, अपने पूर्वजों को गालियां देती हैं और अपने हस्बैंड को लेकर अलग हो जाती हैं, अलग रहने लगती हैं। तो क्या उनके साथ कुछ गलत हो जाता है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है? नहीं, वो भी अपनी लाइफ अच्छे से बिताती हैं, बढ़िया से अपनी लाइफ जी रहे हैं। वो तो अपने पूर्वजों को, उनके माँ बाप को भी गालियां देती हैं, जो जीवित हैं, जो मर गए उन सबको गाली देती हैं। तो सारा खेल हमारी मानने का है, हम जिस चीज को मानने लगते हैं हमें वो महसूस होने लगता है और फिर हम परेशान होने लगते हैं। बिलीव कहाँ होता है, हमारे माइंड में, और परेशानी कहाँ से आती है, हमारे माइंड से। तो हम जिन भी चीज को बिलीव करने लगते हैं वो चीजें हमें महसूस होने लगती हैं और फिर हम उन्हीं चीजों को लेकर परेशान होने लगते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन हम सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, जबकि कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा। तो दोस्तों इस भ्रम को, इस वहम को तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए। किसी के बारे में सोचने ना सोचने से कभी भी कुछ भी नहीं होता है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा ऐसी बहुओं का जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों आप जो भी काम कर रहे हो वो काम करते रहो, इन विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हमें किसी भी प्रकार का कंपल्शन नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम सभी सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के मन में भगवान के बारे में भी गंदे और बुरे विचार आने लगते हैं, इस चीज को दोस्तों हमने अपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इस वीडियो पर भी क्लिक करके उसे भी जान सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन तनाव एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।